हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू प्रोफेसर एस पी गोयल क्लास रूम प्यारे विद्यार्थियों आज मैं के लिए इफेक्टिव टिप्स यदि ये आप टिप्स ले लेंगे ना कॉम्प्रिहेंशन में कम मार्क्स नहीं आ सकते आपके दूसरा पॉइंट एक दिए ध्यान रखना जिसका इंग्लिश ऐसा लगता है कि मेरे जितना मैथ बड़ा स्ट्रॉन्ग है तो पहले मैथ का पोर्शन करना रीजनिंग मैथ का और ये लगता है कि मेरा उससे बेटर है कॉम्प्रीहशन बहुत अच्छा है तो सबसे पहले कॉम्परिहेंशन करो ये कर, जो है कन्वेंशन होती हैं एक्सपीरियंस के बेस पे आती है तो फर्स्ट देखिए कैसे कॉम्प्रिय पैसेज इतने सारे आते हैं तो कम से कम समय में कैसे करें इफेक्टिवली वो टिप्स मैं देने आया हूं आपको रीड फर्स्ट टू लाइन एंड लास्ट लाइन एक बार दो लाइन पहली पढ़ लीजिए और लास्ट की लाइन पढ़ लीजिए कॉम्प्रेंशन की वेन यू स्टार्ट वर्किंग ऑन ए कम्प्रशन पैसेज एंड गेट एन आइडिया वट द पैसेज इज टॉकिंग अबाउट पैसेज किसके बारे में बता रहा है वुमेन के बारे में वुमेन जस्टिस के बारे में एनवायरमेंट का अंदाजा हो जाएगा आपके एकदम से देन रीड द क्वेश्चन एटलीस्ट थ्री टाइम सीधे क्वेश्चन पर आ जाओ मैं हमेशा क्या करता था मैंने जब मेरे मेन में जो है कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज इतने शानदार हुए मैं सबसे पहले मैंने क्वेश्चन ही पढ़े रीड क्वेश्चन एटलीस्ट थ्री टाइम्स मेक श्योर यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी वर्ड इन द क्वेश्चन एंड समझो क्वेश्चन को उनको भूलना नहीं है जब आप पढ़ोगे ना पैसे दोबारा से भूलना नहीं, नहीं इन क्वेश्चन को नाउ गो बैक टू दैसेज अब पैसेज जाइए एंड रीड एक्टिवली कीपिंग द क्वेश्चन इन माइंड क्वेश्चन को माइंड में करते हुए ना ये पढ़िए और यदि उस पर निशान लगाने का कोई स्कोप हो ना निशान लगा लीजिए क्वेश्चन पेपर पे क्योंकि तो ये मेरे क्वेश्चन में था मैं तो ऐसे करता था हमारे तो स्कोप था उस समय में ऑलवेज अंडरलाइन दी वर्ड Or any other उसको अंडरलाइन कर दो क्यों क्योंकि बार बार उस पर नहीं जाना पड़ेगा आपको जब भी उठा फॉर द मेन आइडिया उसका मेन आइडिया निकालो देफिक डिटेल्स जो क्वेश्चन में पूछी गई है उन्हीं को लो हमेशा यह ध्यान रखो कॉम्परी के अंदर ही आंसर है बार से नहीं लिखना आंसर बेस्ड ऑन दी डोंट मिक्स योर पर्सनल पर्सनल ओपिनियन सेक्रेटरी हो गए डिप्टी कमिश्नर हो गए बड़े बड़े रिपोर्ट आएंगे कोई कोई आ आ गया, ने कोई एक्ट पास आ गया, ने किया, वो वो आपको पढ़ना है इतने इफेक्टिवली इसलिए इसकी प्रैक्टिस कराई जाती है आपकी इससे फास्ट भी पढ़ते हो एग्जैक्ट चीजें पढ़ते हो क्या इसमें अंडरलाइन कर लेते हो क्या इसमें समझने की बात है समझ गए ना तो आपने अपने पर्सनल ओपिनियन ही देना Then, इसका बेस्ट यही है जितने आप पिछले साल के और इससे रिलेटेड जैसे आपका मान लिया इंजीनियरिंग सर्विस करो कहीं प्राइवेट जो है मॉक टेस्ट करने की वजह उनके करो आप वो बड़े बड़े एग्जामिनर के सेट किए होते हैं उनके आंसर भी मिल जाएंगे आपको तो आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं यूपीएससी के किसी भी एग्जाम के यदि ये, ये टिप्स आपने ले ली ना कॉम्प्रीहशन पैसेज का आपका समय बड़ा बच जाएगा और उसमें जो है आपके ठीक होने का स्कोप नाइन्टी परसेंट है ये समझ लीजिए ठीक है ना अब ये टेक्स पे आया है डिजीलॉकर इस पे मैंने जो ना व्हाट इज डिजीलॉकर एंड डज इट कीप योर डाटा एंड डॉक्यूमेंट सेफ बार दस नंबर का जाता है ये पूछने के लिए भी क्या आप जो ना आईटी में जो डे टू डे यूज कर रहे हैं जो बड़े स्कीम है ये क्वेश्चन प्लेटफॉर्म लाइक लॉकर इन एनहांसिंग द डिजिटल गवर्नेंस फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया डिस्कस सिक्योरिटी मैर्स इन प्लेस एंड चैलेंजेस इट फेस इन अचीविंग अब ये क्वेश्चन बढ़ाते हुए मैंने जो है हेल्प लिए एक डायरेक्टर जो है आई के डायरेक्टर हैं बहुत बड़े उनकी हेल्प लेके बनाया आपके लिए पंद्रह नंबर का क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों मैं कल ये सोच रहा था कि भी मैं क्या क्या और कर सकता हूँ बच्चों के लिए जैसे आज कॉम्पन का के आया इफेक्टिव कैसे आपने जो उससे टिप्स लेके आया ये टिप्स जिंदगी भर काम आएंगे आप दूसरा मैं ये देख रहा था कि न्यूज में एक तो मैं वो न्यूज देखता हूँ जो आप काम किए हैं वो सारी हटा देता हूं जो आपके काम की नहीं है से से नहीं पढ़ना एक लाइन भी हमने एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है दूसरा उस न्यूज में क्वेश्चन क्या निकलता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए क्या रिलेटेड है एग्जाम के माइंड में क्या आएगा अभी दोनों न्यूज पेपर का मैं जो है आपको कंप्लीट एक साल के बाद भी आपको ये न्यूज मिल जाएगी दोबारा पढ़ना चाहोगे ये आपको अदरवाइज कहीं कोई फैसिलिटी नहीं है मैंने देखा है कि मैं मार्च की न्यूज निकालना चाह रहा था मेरे से निकली नहीं मार्च की न्यूज बिना न्यूज पेपर के इस कोई तरीका ही नहीं था इसलिए एक साल के आपको ये न्यूज सारी मिलेगी कोई भी आप दोबारा से पढ़ सकते हैं दूसरा फिर जो है इसके अंदर क्या है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है वो मैं सारा पढ़ता हूँ इसलिए चार घंटे लगते हैं मुझे और एक चीज मैं आपको कभी नहीं बताया मैंने मैं एक हार्ड कॉपी पढ़ता हूँ हिंदू की एक डिजिटल उनमें भी दो तीन न्यूज लगाती है उसमें साइंस पेज नहीं आता कॉपी में उसमें साइंस पे जाता है मतलब तीन अखबार पढ़ता हूँ समझिए आप हिंदू के दोनों कॉपी और इंडियन एक्सप्रेस के डिजिटल अब ये बार बार आ रहा है सप्ताह भी बहुत न्यूज आ रही है इस पर अब क्लियर कर लिया ये आपने पढ़ना पड़ेगा अच्छे मार्क्स लेने के पूरा पढ़ो इसको अभी एक रिसेंट जजमेंट आई है डोली रानी वर्सेज मनीष कुमार चंचल उसमें ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अकॉर्डिंग टू हिंदू मैरिज एक्ट यदि सात फेरे नहीं लिए गए तो वो मान्य नहीं है मैरिज वैलिड नहीं है कितनी बड़ी बात ये सुप्रीम कोर्ट कितनी बड़ी जजमेंट आई है इसमें से आप सारा पढ़ना है आर्टिकल इसमें और भी निकले क्वेश्चन मैं सिर्फ एक ही निकाल पाया इसमें बड़ी जजमेंट है अभी देखिए धाई सेल्फ रिस्पेक्ट फॉर्म ऑफ मैरिज इज इन तमिलनाडु ये बताया ये ये एक सेरेमनी है उनकी ये मैरिज है उनकी फॉर्म ऑफ मैरिज है तमिलनाडु में पूछ लेते हैं कई बार सूर्य हमारे दी कौन से स्टेट में है सूर्य हमारे मारे हिंदू मैरिज कैन नॉट मैरिज थ्रू रजिस्ट्रेशन अलोन भी आपने मैरिज रजिस्टर करा ली शादी के बाद आपके मैरिज का मतलब वो मान्य नहीं है अकेली सब्त तो पद कह रहे हैं हिंदू मैरिज एक्ट में बहुत जरूरी है साथ फेरे लेने सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये देन प्रेजेंस ऑफ इज नॉट नेसेसरी फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ ए वैलिड मैरिज हाँ ये कोई जरूरी नहीं है हो या नहीं है ऐसे सवाल आएंगे आपके बड़े कॉमन से शादी का सवाल आ गया सबके ऊपर लागू होती है पूरे इंडिया पे। अब बने बने मैंने कल चार दे दी बहुत अच्छी दे फर्स्ट मिनिस्टर बने। आज ये हिंदू में जो है स्कॉटलैंड की जो न्यूज है टेस्ट एंड कंटेस्ट में आ गई इसलिए कितनी इंपॉर्टेंट है के लिए अब इसमें हमें कई मिले एक तो एसएनपी पी पार्टी है उसका फर्स्ट मिनिस्टर बनाया दूसरी स्कॉटिश ग्रीन दो पार्टी है पे ठीक है ना अब ये बूटा हाउस द बूटा हाउस पावर शेयरिंग एग्रीमेंट हुआ इनका पहले इसको कॉपरेशन एग्रीमेंट कहते हैं किस कंट्री का है ये तो इसमें से जो है क्वेश्चन देखिए बूट हाउस इज द नेम ऑफ ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ कोटिस फर्स्ट मिनिस्टर

इसमें मुझे एक स्कीम मिल गई वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम क्या है और कौन कौन से स्टेट में लागू है ये अरुणाचल प्रदेश उत्तराखंड सिक्किम हिमाचल प्रदेश भी है जो चाइना बॉर्डर और लद्दाख भी है इसमें यूपी पांच है ये ठीक है ना ये पूछ सकता है कौन कौन से वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम में लिए गए हैं स्टेट या यूपी ये बड़ा इंपोर्टेंट आपका के लिए क्योंकि तो वहां पे इंप्रूव कर रहे हैं कनेक्टिविटी कौन कर रहा है होम मिनिस्ट्री रोड बना रहे होम मिनिस्ट्री बना रहे डिफेंस मिनिस्ट्री नहीं होम मिनिस्ट्री अब ये मैंने जो निकाल दिया एक तो सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है ये LSE, कौन सा स्टेट यूटी कौन से इस पे है और इट विल नॉट ओवरलैप द बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम वो प्रोग्राम अलग है बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम और ये ये बहुत बार न्यूज में आ चुके हैं टनल ऑन निमू पदम दर्चा लिंक विल प्रोवाइड ऑल वेदर कनेक्टिविटी टू बॉर्डर एरिया लद्दाख में निकाली गई अब ये बार बार आ रहा है मेघालय में रेट होल माइनिंग रेट होल कोल माइनिंग ये सुप्रीम कोर्ट ने एनजीटी ने बैन कर दी थी अप्रैल 2014 में तो ये पूर्व शतक स्टेट में ये कई बार आ चुका है कई सालों से आ रहा है इसलिए आपको ये पता होना चाहिए इसमें मैंने जो है एक तो जस्टिस काटा के पैनल है किसके लिए है ये ये पूछ सकते हैं ये रेट होल है जो हजार जो बैन की गई है ना क्या वो जो है मेघालय गवर्नमेंट ये ये रिकमेंड करे मेघालय गवर्नमेंट क्या क्या जो है मैसेज ले इसको रोकने के लिए क्या कम्पलाइंस हो रहा है किस ढंग से हो रहा है वो डायरेक्शन ये रिकमेंडेशन देगा ये ये सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है हाई कोर्ट ने बनाया है ये मेघालय हाईकोर्ट ने

और क्या इसमें इशू क्या है वहां पर लैंड इक्वेशन कर रहे हैं ये वो प्रोटेस्ट हो रहा है लोगों का खासकर ट्राइबल एरिया का वर्ल्ड पेज पे ऊपर पांच ये कॉलम आते हैं छोट छोटे छोटे उसमें से मैं एक क्वेश्चन रोज निकालता हूँ आज तो मैंने दो निकाल दिए ये देखिए ये बहुत बार आ चुका है माउंट मरापी एक्टिव इंडोनेशिया की और उसमें कोल्ड रहा निकला कोल्ड रहा हुआ और फ्लैश फ्लट जाइए सुमाट्रा प्रोविंस में इसकी वजह से इसी तरह यह है देखिए लिथुआनिया एक कंट्री है वहां पर प्रेसिडेंट के इलेक्शन हो रहे हैं और प्रेसिडेंट जो बनने जा रहे है वो है गितानास और इसका जो है इससे यह पता चलता है तो कैपिटल पता चल जाएगी विलनियस एक यूरोपियन कंट्री है एक इसको डरा रशिया से ये यूरोपियन मेंबर है यूरोपियन यूनियन का और नाटो का कितनी इन्फॉर्मेशन मिल गई मुझे इसमें एक छोटी सी न्यूज में अब देखिए आगे मैंने क्वेश्चन बना दिया इसके यही न्यूज ये क्वेश्चन बना दिए आगे ये हमें पता होना चाहिए इमिडिएटली मैप में जाओ लिथुआनिया के आप वो दो सिचुएशन देखो कहाँ पे मैप में जाके देखो कौन से कंट्री बॉर्डर कर रहे हैं अब इसको देखिए लिथुआनिया के कौन से कंट्री बॉर्डर कर रहे हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट है देन ये देखिए समनगन एंड मजार ए शरीफ ये बार बार न्यूज में आता है अफगानिस्तान में है। और ये मजार ए शरीफ तो ना पीछे पेर में आया भी है बाईस में या तेईस में आया है बाईस में इक्कीस में अफगानिस्तान में ये अब ये साइंस पेज पे रोजाना में दो क्वेश्चन देता हूं बड़ा इंटरेस्टिंग है दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन आई टेल यू ये जो है राउंड वर्म है राउंड वर्म, जिसका नाम है क्या नाम है ये राउंड ओवरम राउंड ओवर में हमारे बच्चों के ना पेट में रहते हैं जैसे होते हैं राउंड होम ये जो है क्या करते हैं डीज काजिंग बैक्टीरिया को खा लेते हैं जब ये उस बैक्टीरिया को खा लेते हैं उस बैक्टीरिया में ऐसा रारने है ये समझ जीन है ऐसा रारने, जो उसकी चार जनरेशन तक ये कह देता है ये नहीं खाना ये बीमारी पैदा करता बैक्टीरिया ये आगे से नहीं खाना चार जनरेशन तक ये जो ना मैसेज आता है ऐसे क्वेश्चन ले आएंगे मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन इस बैक्टीरिया का ये बैक्टीरिया सीडोमास वेंसिस वेंसिस एक खास बात ध्यान रखना सीडोमोनास की मान लिया कोई दूसरी स्पीशीज आ गई सपोज सिडोमोनास सोलन आ गई वो प्रोडक्ट में आती है ये वेंसिस को ही खाएगा सिर्फ सीडोमोनास की चाहे इसके हजारों स्पीशीज हो उसको टच नहीं करेगा ये और कौन सा स्पीशीज खाएगा राउंड ओर की एलिगेंग। एलिगेंग ही खाएगा सिर्फ एलिगेंस दूसरा है ना वो नहीं खाएगा ये ध्यान रखना हमेशा इनमें स्पेसिफिसिटी होती है क्योंकि तो मैं एक एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हूं मैंने बहुत पढ़ा है अपने पी एच डी एमएससी में प्लांट पैथोलॉजी माइकोलॉजी में ये चीजें बहुत पढ़ी है इसलिए आपको समझा रहा हूँ ये ये अब तक का मेरा जो है मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन है यूपीएससी का ऐसे क्वेश्चन कम से कम बीस पच्चीस देती है यूपीएससी आपको आप सोलह जून को देखना ऐसे क्वेश्चन बहुत मिलेंगे मेरा टारगेट ये रहेगा पूरा साल ऐसे ही क्वेश्चन ले आऊंग एक भी ना छोड़ दू मेरा क्वेश्चन कोई ऐसा नहीं मिलेगा जो छूट जाए न्यूज पेपर दोनों न्यूज पेपर से कोई क्वेश्चन छूटने नहीं दूंगा करंट अफेयर में इसलिए मुझे कॉन्फिडेंस है कि मैं चाहता हूं मेरा हंड्रेड परसेंट रिजल्ट जीएस में सी में। सेट आपने करना है और जीएस का स्टैटिक भी आपने करना है लेकिन स्टैटिक इसमें काफी करा देता हूं इस रिलेड अब ये लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है डिस्ट्रिक्ट सर्विसेज अथॉरिटी स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी नेशनल नेशनल लीगल सर्विस इनका क्या फंक्शन है क्या ये स्टेचुरी बॉडी है क्या इनका जो है जैसे ये है डिस्ट्रिक्ट लेवल डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी है जैसे ये कंपनसेशन भी देती है विक्टिम्स को ये मैंने आज पता चला है तो ये चाइल्ड मैरिज को जो है उनकी हेल्प की उनको फ्री करने में और उन को इन्होंने िटेट भी करते हैं तो आपको ये, ये पता चल जाता है स्टेट अथॉरिटी का भी क्या इनके कॉन्स्टिट्यूशन में कौन मेंबर होते हैं क्या ये जुडिशरी बॉडी है जैसे डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी है डिस्ट्रिक्ट जज जो है डिस्ट्रिक्ट सेशन जज जिसको कहते हैं डिस्ट्रिक्ट जज वो चेयरमैन होता है इसका क्या नॉन ऑफिशियल मेंबर भी है इसके नॉन जुडिशियल मेंबर भी है इसके ऑफिशियल मेंबर ये सारा आपको पता होना चाहिए जैसे एनजीटी में टेक्निकल मेंबर भी होते हैं उसमें जुडिशियल भी होते हैं जजीज भी होते हैं तो ये आपको जो है स्टेटिक में जाना चाहिए इमीजिएटली लक्ष्मीकांत में जाओ ये सारा देखो जाके क्या ये कौन सी स्टेचुरी बॉडी है कौन से एक्ट में बनी ये एक आपको मैं बता देता हूं थोड़ा जो क्वेश्चन बता देता हूँ एडवांस में जे जे एक्ट और अमेंडमेंट जो बाद में हुए इसमें कारा जेज एक्ट में अभी अमेंडमेंट हुआ है दो हजार बाईस में भी और पोक्सो इसमें एक क्वेश्चन आएगा भाई लिख लो क्यो? क्यों क्योंकि जो चिल्ड्रन है children, उनकी प्रोटेक्शन के लिए ये ये हमारे लिए देश के लिए बहुत बड़ा जो है एक्ट है उनकी प्रोटेक्शन के लिए केयर के लिए रिहेबिलेट करने के लिए तो अब इसमें देखिए कारा जो है स्ट्रेटरी बॉडी इस एक्ट में बढ़िया जेजेक्ट दो हजार पंद्रह में मैं अब पोक्स कई बार हम पोक्सो लिख देंगे इसमें पोक्सो में बढ़ी है याद नहीं रहता एग्जैक्ट याद करनी है बहुत पॉइंट्स याद करो अब ये देखिए स्टेट गवर्नमेंट चीफ जस्टिस हाईकोर्ट के कंसल्ट के बाद जो है डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी तो बनाएगी समझ गए और ये जो है फ्री एंड कॉम्पिटेंट फ्री एंड कॉम्पिटेंट बहुत लीगल एड देती है एलिजिबल पर्सन को गरीबों को उनके कंडीशन है उन्हीं को देती है ऐसा नहीं सबको देती है लोक अदालत भी ऑर्गेनाइज करती है अब आपने देखना है क्या नलसा भी करती है क्या लोक अदालत सुप्रीम कोर्ट में भी, भी होती है क्या क्या लोक अदालत का क्या फंक्शन है क्या लोक अदालत के, के केस जो है आगे अपील हो सकते हैं हाई कोर्ट में ये सारे स्थेटिक है लक्ष्मीकांत के भैया एक्सप्लेन पेज में रोजाना एक या दो क्वेश्चन देता हूँ ना मैं आपको बाकी पॉलिटिकल न्यूज एक क्वेश्चन मिल गया जो आपके 2025 में आएगा ये ओलियडर फ्लावर्स की ये भी पता चला है टॉक्सिसिटी है एक ट्वेंटी फोर ईयर ओल्ड नर्स डाइड इन केरला उसके उसने जो फ्लावर्स को जो कंजूम कर लिया था क्यों कर लिए थे ये पहले कोई खोज नहीं हुई कभी ऐसी वहां पे टेम्पल में यूज होता है अब जो है इसका बैन कर दिया ये इनके फ्लावर्स को बैन कर दिया आज या कल से वहां पे के टेंपल में लेके नहीं आएंगे क्योंकि तो ये पता चला टॉक्सिसिटी है और ये कंफर्म हो गया रिपोर्ट से तो ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी देता है जिस, जिसको मैं कहता हूं, बहुत आसान है ऐसे क्वेश्चन निकाले मैंने रोजाना पिछले नवंबर से बीस नवंबर से सारे क्वेश्चन ऐसे लेके आ रहा हूं मैं जो के मुझे भी नहीं आते आपको भी नहीं आते और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे जो यूपीएससी के पेपर सेटर को भी नहीं आते जी द सरप्राइज अब ये मैंने बताया आपको कि स्टेटमेंट टू जो है इसके करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ये भी साथ में बता दिया मैंने इस तरह के जवाब थे ना द स्टेटमेंट करेक्ट एंड स्टेटमेंट टू इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्योंकि जो डाइड इससे हुई है ये मैन क्यों गया क्योंकि वोमेन डाइड ड्यू टू द ऑफ दिस फ्लावर अब इसमें से ही मैंने दो क्वेश्चन निकाल दिया आठ स्टेटमेंट आप ये देखिए आठ स्टेटमेंट एक में से निकालनी ये मेरा जो है मन जानता है

वो मीटिंग आती है डायरिया हार्ट बीट्स रेगुलर हो जाती है अल्टीमेटली कई बार डेथ भी हो सकती है एक्सट्रीम के चीज में कैसा क्वेश्चन निकाला आप सोच सकते थे इसको आप ऐसा कीजिए एक घंटा मेरे साथ अखबार पढ़िए फिर हमारा गैप देखेंगे मैं कौन से क्वेश्चन भूल गया आप कौन से भूल रहे हो फिर हम जो है सप्लीमेंट करेंगे ये बेस्ट है टॉप करने का कल मेरे पास जो है एक प्रिंसिपल कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट मेरे क्लास फेलो है गुजरात में उन्होंने यह वीडियो देखी उन्होंने कहा कि आप जो काम कर रहे हैं यह बहुत पायस वर्क है इसकी कोई वैल्यू नहीं है दैट फैलो इज वो इंटेलिजेंट जो ये मेरे साथ पढ़ते थे ये फर्स्ट चांस में फॉरेस्ट में चले गए इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में तो उन्होंने ये कहा कल कि गोयल साहब ये जो काम है यह बड़ा पायस है और ये जो बड़ा मुश्किल है इट्स वेरी डिफिकल्ट इसके लिए बहुत कमिटमेंट पैशन और कंसिस्टेंसी चाहिए आपको सब कुछ छोड़ना पड़ेगा घर के सारे काम भी मैं जो ना छोड़ता हूं अब जैसे है अब ये ये जो क्वेश्चंस है देखिए इनको टाइप कराने में मुझे जो है कितना जो है मैं कितना भागता हूं और ये जो है जितने बच्चे हैं उनको सारी ये जो है पीडीएफ मिल जाएगी जो रजिस्टर करेंगे 2025 के उनको रोजाना पीडीएफ मिल जाएगी आज तो मेरा टाइप हो गया अदरवाइज मेरे से एक दो क्वेश्चन ही टाइप हो पाता है बाकी के मैं शाम को कराता हूँ तो इसलिए आपको सारे क्वेश्चन की पी रेगुलर मिलेगी अब ये इकोनॉमी पेज पे फॉरन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स पे ये क्यों सेल कर रहे हैं क्या रीजन है आपसे चार रीजन देके पूछ लेंगे इनमें से कौन सा रीजन ठीक है इकोनॉमी पेज के मैं ऐसे क्वेश्चन निकालता हूँ एफ जो कि हमारी इक्विटी को खरीदते हैं अब ये देखिए एक तो इंडिया की टैक्स जिटी हुई है मोरिशस के उसके बाद ये जो ना हमारा पैसा जाना शुरू हुआ है बाहर इससे काफी फर्क पड़ा है शेयर मार्केट डाउन आई है कहने का मतलब शेयर मार्केट कब नीचे आती है बी फेज में कब आती है बी फेज में जब एफ चले जाते हैं या डोमेस्टिक इन्वेस्टर जो है ना वो बेचने लग जाते हैं सेलिंग प्रेशर आता है देन यूएस बॉन्ड बढ़ती है ना वहां पे इंटरेस्ट रेट तब भी हमारे जो ना एफ चली जाती है क्योंकि वहाँ इंटरेस्ट रेट ज़्यादा वहाँ पैसा जमा करा देते हैं एक्सपेंसिव वैल्यूएशन जब हमारा स्टॉक है मान लिया रिलायंस का स्टॉक है उसकी वैल्यूएशन निकालते हैं हम दो हजार आती है सपोज ना सपोज कर रहा हूँ और शेयर में का रेट है तीन हजार का तो वो जो है चले जाते हैं फिर प्रॉफिट बुकिंग करके चले जाते हैं जब रेट है, बहुत ज़्यादा बढ़ जा मार्केट हमारी बहुत ऊपर चली गई तो ये प्रॉफिट बुकिंग करते हैं अपना प्रॉफिट ले जाते हैं तब भी सेल करते हैं क्योंकि हमारे इलेक्शन है, है नजर आ रही है तब भी ये चले जाते हैं पैसा हमारा बाहर चला जाता है तो इस तरह से आपने करना है ये चाइना का जो है हम डिपेंडेंस कम कर रहे हैं अपने इंपोर्ट की तो उसके लिए क्या क्या तीन है तीन पॉइंट है पीएलएस की डंपिंग ड्यूटी क्वालिटी कंट्रोल पोर्डर्स ऐसे क्वेश्चन आप जरा विचार कीजिए ये मैं बताता हूं आपको इसके लिए बहुत लंबा तजर्बा चाहिए स्किल चाहिए और पैशन चाहिए बहुत सारे क्वेश्चन इवन जो है आपके बहुत सारे बच्चे जो टॉपर वो नहीं निकाल सकते यू आर लकी अनफ आपको ऐसे क्वेश्चन मिल रहे हैं जो यूपीएससी का पेपर सेटर के माइंड में उनके क्वेश्चन बैंक में है तो आप इमीजिएटली 2025 के कोर्स को ज्वाइन कीजिए आपकी पीडीएफ मिलेंगे आपको देखना कैसी, कैसी, और स्टैटिक के और मोक टेस्ट सारे इसी तरह क्वेश्चन मिलेंगे स्टैटिक में में भी जो के ना तो PY, में आए और की है की संभावना क्योंकि मैं खुद स्ट्रक्चर करता हूं सारे क्वेश्चन हर क्वेश्चन को मैं स्ट्रक्चर करता हूं बैठ के और दस क्वेश्चन में मुझे कम से कम जो है तीन चार घंटे चाहिए जैसे मैंने आग, टेस्ट दिया किसी बच्चे ने जो किया था उन्होंने बच्चे ने बहुत सोल्व किया होगा लेकिन किसी ने भी स्कोर नहीं डाला उसमें कमेंट बॉक्स में मैंने दो तीन दिन पहले पॉलिटिका दिया तो आपने जो है से ओनेस्टली मेरे मोक टेस्ट और मेरे ये क्वेश्चंस करने हैं आपके अश्योर्ड सक्सेस के लिए ना केवल में बल्कि मेन में भी थैंक यू वेरी मच